जय जिनेंद्र, मैं हूं भरत जैन, जैन दर्शन से। शिविर के अंतिम दिन हुआ 51 द्रव्योषी अभिषेक। त्रिमूर्ति पर हुआ चरणामृत से अभिषेक। चरणामृत अभिषेक पर कार्यकर्ता हुए आनंदित। समापन के दिन सजी ट्रॉफियां जो बच्चों में की जाएगी वितरित। मंगलाचरण से शुरू हुआ समापन समारोह। मन में भाव जगे में मंदिर जाऊंगा, पाश प्रभु की पूजन कर हर्षाऊंगा, प्रभु दर्शन कर कोख से जल भर लाऊंगा। समापन समारोह की बागडोर संभाली राकेश जी शास्त्री ने। निवेदन करता हूँ प्रबंधक कार्यकर्ताओं में श्रीमान लोकेश जी एवं अनिल जी बधा रहे एवं मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे महेंद्र जी रजावत, वेणीचंद जी ढोलिया जो पूर्व अध्यक्ष थे कमेटी के और वर्तमान अध्यक्ष शंकर लाल जी वर्दावत। शिविर के शिक्षकों एवं राकेश जी शास्त्री का अभिवादन और स्वागत किया हमारे मुख्य अतिथियों ने। सफल बनाने में कई व्यक्तियों का योगदान रहा, उन सभी का किया गया स्वागत। सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया स्वागत। के माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना, ये है संस्कृति, ये है संस्कृति हिंदुस्तानी। इनके स्वागत में ताली बजाना, इनके माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना, ये है संस्कृति, ये है संस्कृति हिंदुस्तानी। इनके स्वागत में ताली बजाना, इनके माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना। कार्यकर्ताओं एवं मुख्य अतिथियों ने किया गुरु माँ का पाद प्रक्षालन। भरत भाई नावड़िया ने समापन समारोह के पूरे शिविर के सफर को याद किया और सभी को धन्यवाद भी दिया। कोई विघ्न नहीं आया, ये हमारे गुरु माँ का आशीर्वाद का करिश्मा ही रहा है। लोग कहते हैं ऐसे हाथ उठा देने से क्या होता है, जो हाथ की एनर्जी है वह ब्रह्मांड को भी एक समय के लिए रोक देती है, तो ये अपने आप में करिश्मा। महेंद्र जी रजावत ने कहा ABSS एक शिविर ही नहीं एक विचारधारा। अभिनंदन बाल संस्कार शिविर एक विचारधारा है, ऐसे समझ के चलो, एक मिशन को लेके चलेंगे। गुरु माने समापन समारोह में कहे अंतिम प्रवचन कि किसी भी कार्यक्रम में सदा अनुकूलता ही मिले, कोई गारंटी नहीं। परीक्षा में आए सभी भाग के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय रहे बच्चों का किया ट्रॉफी देकर सम्मान, एक सांत्वना पुरस्कार भी। गुरु माँ के हाथों मिले सभी बच्चों को पुरस्कार। शिविर में कुल मिलाकर हुई थी 5 कक्षाएं, उन 5 कक्षाओं में 4 कक्षाएं थी बच्चों की और 1 कक्षा थी कार्यकर्ताओं की। उसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय रहे और एक सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया। प्रथम भाग के अंदर प्रथम रहे जिनल जिनेंद्र जैन, जिन्होंने 100 में से 96 नंबर पाए। द्वितीय स्थान रहे पर रहे हिंद भरत जी जैन। तृतीय स्थान हासिल किया लोकांतिक दिनेश जैन ने और सांत्वना पुरस्कार जिन्हें मिला है वो है मोक्षी शरद जैन। द्वितीय भाग में प्रथम रही है निधि हितेश जैन, जिन्होंने 100 में से 94 अंक प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान पर रही ध्रुवी संजय जैन। तृतीय स्थान पर रहे प्रीति भरत भमावत और सांत्वना पुरस्कार जिन्हें मिला है वह है निधि भगवती लाल जी जैन।
तृतीय भाग में प्रथम स्थान हासिल किया है प्राची कमलेश जी जैन, जिन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान पर है काव्य पवन जी जैन, तृतीय स्थान पर है साक्षी पुष्पेंद्र जैन और सांत्वना पुरस्कार जिन्हें मिला है वे हैं प्रगति सुरेश जी जैन। चतुर्थ भाग में प्रथम स्थान हासिल किया है लक्ष्य ओम प्रकाश जी जैन, जिन्होंने 97 अंक प्राप्त किए हैं 100 में से। द्वितीय स्थान पर है रिंकेश विजय जैन, तृतीय स्थान हासिल किया है लावण्य कमलेश जी संघवी ने और सांत्वना पुरस्कार जिन्हें मिला है वे है मंथन विनोद जैन। जो हमारी कार्यकर्ताओं की क्लास लगी थी उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है भाविना लोकेश जी जैन ने, उन्होंने भी 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। द्वितीय स्थान पर रही है श्रीमती पिंकी पारस जैन और तृतीय स्थान पर 5 लोग आए हैं जो क्रमशः हैं प्रिया योगेश जी जैन, निशा जैन, कीर्ति जैन, निर्मला जैन और मीना यशवंत जी जैन। इस पूरे शिविर के अंदर एक प्रतियोगिता एक कंपटीशन कुछ ऐसा था जिसमें एक छात्र को हर एक्टिविटी में अगर वो अव्वल रहता है, वो आगे आता है, उसका आचरण सही है, उसका डिसिप्लिन सही है, उसकी पढ़ाई सही है, को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस श्रेणी के अंदर स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार हासिल किया है वे है रिंकेश विजय जैन, जिनको स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी से नवाजा गया है। सभी बच्चे एवं कार्यकर्ता हंसी खुशी बहुत अच्छी यादों के साथ में सकुशल अपने घर के लिए रवाना हुए। इस तरह ABSS 2018 के शिविर का भव्य समापन समारोह किया गया। हमने 7 दिन की अपडेट न्यूज के रूप में अब तक पहुंचाने की कोशिश की है, उसी रूप में आपका प्यार भी हमें बहुत मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि हम आगे आने वाले सभी प्रोग्राम हमारे ABSS से रिलेटेड हो, चाहे जैन दर्शन के किसी भी चीज से रिलेटेड हो, और हमारे पास में बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जो हम यहां से लेके जा रहे हैं, उसकी क्लिप हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जय जिनेंद्र।